हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो स्टडी। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 7th ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज का लास्ट पार्ट होगा। जिसने भी वीडियोस नहीं देखी हैं पहले की, जाके देखें और अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। देखो, आज हम जो करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कोई बीमारी, डिजीज कोज करना, ठीक है। डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? डिजीज। और क्रोमोसोमल का मतलब क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स की वजह से हो, क्रोमोसोम्स की वजह से, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स क्या होता है, जो आज नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो ये बात समझो। आप लोगों को पता है क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बीच में सेंट्रोमियर होता है। ये देखो, इसके अंदर जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि स्पेसिफिक करेक्टर्स को शो करती हैं। इसके अंदर जीन्स हैं और जीन्स क्या कैरी करती हैं? इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन ये पास होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, F1 टू F2, F2 टू F3। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो इन्फॉर्मेशंस आती हैं, जो करेक्टर्स पास होते हैं, वो कौन कैरी करता है? वो जीन्स कैरी करती हैं जो कि क्रोमोसोम्स के अंदर होती हैं। ये बात समझ में आई? अब एक कंसेप्ट अपना और क्लियर करो। वैसे जिन स्टूडेंट्स को पता है बहुत अच्छी बात है, जो भूल चुके हैं उनको मैं अच्छे से पढ़ा देती हूँ। क्या है देखो, आपको पता है 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, राइट। ये है नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन क्या होता है इसमें? आपको ये भी पता है कि 22 पेयर इसके अंदर ऑटोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स। और एक पेयर इसके अंदर क्या होता है? एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, वो भी समझो। यहाँ पे इसके अंदर एक पेयर क्या होता है? सेक्स को डिटरमाइन करता है, ठीक है। या तो मेल हो सकता है या फिर इसमें फीमेल हो सकती है। और आपको पता है मेल है मतलब स्पर्म्स और फीमेल है मतलब एग। तो कहने का क्या मतलब है, 22 पेयर्स जो कि ऑटोसोम्स होंगे अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स, और एक पेयर जो होगा वो बताएगा कि इसके अंदर क्या है, मतलब आगे वो सेक्स को डिटरमाइन करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ स्पर्म्स एंड एग जो कि सेक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, राइट। अब एक चीज समझो क्या है, जब भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं तो जो क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमोसोम नंबर हैं, या तो वो कम होंगे या वो ज़्यादा होंगे, उसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज आ जाएंगी, राइट। समझो इस बात को, या तो एबसेंस होगी या फिर एक्सेस होंगे, ठीक है, या फिर जो अरेंजमेंट होगा वो एबनॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल अरेंजमेंट ना हो के कुछ गड़बड़ है तो क्या है, एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बॉडी के अंदर उस इंडिविजुअल के बन जाएंगे, राइट। समझ में आया? क्रोमोसोम्स की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, एक तो ये सिचुएशन आएगी कि क्रोमोसोम के नंबर कम है, एक ये सिचुएशन आएगी कि क्रोमोसोम के नंबर ज़्यादा हैं। वो सिचुएशन को आप लोग समझो। देखो एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी, प्लॉइडी का मतलब होता है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के कितने नंबर ऑफ सेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, राइट, क्रोमोसोम्स। एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, या तो गेन होना या फिर लॉस होना, किसका, क्रोमोसोम्स का, समझ रहे हो। या तो क्रोमोसोम का पेयर ज्यादा है या क्रोमोसोम के पेयर के अंदर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसकी वजह से लॉस आ गया, या तो गेन होगा या लॉस होगा, ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आपको एक चीज पता है, जब सेल डिवाइड करती है तो क्या है, ये देखो पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या करेंगे, अपने आप को सेग्रीगेट कर लेंगे।
अपने आप को ये सेग्रीगेट कर लेंगे, मतलब देखो आफ्टर सेग्रीगेशन कुछ ऐसा होगा, राइट। लेकिन एन्यूप्लॉइडी के केस में क्या होता है, ये आपस में सेपरेट नहीं कर पाते, अपने आप को सेग्रीगेट नहीं कर पाते, उसकी वजह से ये सिचुएशन आ जाती है कि या तो गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है क्रोमोसोम्स का, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है क्रोमोसोम्स की, वो मैं आगे अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। अब दूसरा केस देखो, पॉलीप्लॉइडी। प्लॉइडी का मतलब फिर से वही होगा, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, मतलब क्रोमोसोम नंबर के अंदर इंक्रीज हो रहा है, समझ में आया। पॉलीप्लॉइडी, पॉली मीन्स मैनी, क्रोमोसोम की जो नॉर्मल एबनॉर्मैलिटी कंडीशन होती है, दूसरा होता है नॉर्मल कंडीशन। तो जो नॉर्मल कंडीशन में क्रोमोसोम्स मिलते हैं उसके अलावा अगर इंक्रीज हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी सिचुएशन, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। इट इज़ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेट बियॉन्ड डिप्लॉयड एक्स कंडीशन। देखो क्या होता है, फीमेल्स के अंदर ये कंडीशन होती है, डिप्लॉयड एक्स की कंडीशन होती है, उसके अलावा भी क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाता है, ये भी मैं आगे अच्छे से बताऊंगी कैसे होता है। देखो इसके अंदर क्या होता है, फेलियर हो जाना साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बाद में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, सेल का डिवीजन होता है ना, वो नहीं हो पाता, उसकी वजह से नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, उसी को पॉलीप्लॉइडी बोल देते हैं। अब देखो क्या है, इसके अंदर जो डाउन सिंड्रोम का एग्जांपल है किसका, एन्यूप्लॉइडी का, वो हम लोग पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम। अब टॉपिक अपना स्टार्ट हो गया डाउन सिंड्रोम का, जो कि क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, राइट। प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम, एडिशनल कॉपी होना, प्रेजेंट होना क्रोमोसोम्स की नंबर 21 नंबर पे एडिशनल कॉपी आ जाती है, ठीक है, ट्राइजोमी ऑफ 21। देखो इस बात को यहाँ पे अच्छे से समझो गाइस, क्या होता है, ये देखो 1 2 3 नंबरिंग करती हूँ, 1 2 3 ऐसे करके, 4 5 6 ऐसे करके क्या होगा, 21 होगा एंड 22 होगा, समझ में आया, 21 होगा और 22 होगा। अब देखो क्या है, समझो इस बात को अच्छे से, 21 नंबर के ऊपर यहाँ पे भी कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, जैसे इन सब में बनाए हुए हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे। इसके अंदर क्या होगा गाइज, एक एडिशनल कॉपी आ जाएगी क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम की यहाँ पे एक एडिशनल कॉपी आ जाएगी, ठीक है। वो कॉपी क्यों आएगी, ये देखो, ये पहले ये थे अपने पास में, पहले अपने पास में ये थे, सेल डिवीजन के टाइम पे इनको आपस में सेग्रीगेट करना पड़ता है, सेग्रीगेट, आप लोगों को पता है सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट होना, इनको यहाँ से बीच में से सेपरेट होना पड़ता है, लेकिन ये सेपरेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से एक कॉपी इसके अंदर एक्स्ट्रा आ जाती है। तो ट्राइजोमी ऑफ 21 नंबर पे 3 क्रोमोसोम है, ट्राइजोमी, ट्राई मीन्स 3, राइट। तो यहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं देखने को, वापस चलो, ट्राइजोमी ऑफ 21 देखने को मिल रहा है। सो नेम्ड आफ्टर द पर्सन हु डिस्कवर, जिसने डिस्कवर किया था उसी के नाम को लेके इस डिजीज का नाम है, इस सिंड्रोम का नाम है डाउन सिंड्रोम। किसने डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर किया था डिसऑर्डर लैंगडॉन डाउन ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम है डाउन सिंड्रोम। अब जिस इंडिविजुअल के अंदर डाउन सिंड्रोम है उसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे, मतलब क्या उसके फीचर्स होंगे, ठीक है। द पर्सन इज शॉर्ट एंड हैज अ स्मॉल एंड राउंड हेड, राउंड एंड स्मॉल हेड, उसका हेड बहुत छोटा होगा और राउंड होगा। वो आगे एक अच्छे से देखो, ये देखो राउंड एंड स्मॉल हेड, ठीक है। दूसरा देखो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्टेड। रिटार्टेड का मतलब क्या होता है, स्टॉप हो जाना, ना तो फिजिकली डेवलप कर पाएगा ना ही मेंटली डेवलप कर पाएगा गाइज, समझ में आया। ना तो फिजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा उस इंडिविजुअल के अंदर, ना ही मेंटल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। रिटार्ड हो जाना मतलब कम हो जाना, रिड्यूस, राइट।
फरोड टंग एंड पार्शली ओपन माउथ, पार्शली ओपन माउथ होगा और क्या होगा, ब्रॉड पाम, उसकी पाम कैसी होंगी, ब्रॉड होंगी। ये देखो यहाँ पे, इससे अच्छे से समझो, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ना, तो ये मतलब मेंटली इतना लग रहा है कि मैच्योर है, मेंटली इसका रिटार्डेशन हुआ है, मेंटली ग्रोथ इसकी देखने को नहीं मिल रही है, ना ही फिजिकली देखने का मिल रहा है इस बच्चे का कि प्रॉपर ग्रोथ चल रही है इसकी, ठीक है। पाम सीज, ये देखो ये इसकी पाम है, मैंने बताया था पाम का जो साइज होगा वो बड़ा होगा। बिग एंड रिंकल्ड टंग, इसकी टंग कैसी होगी, बिग और रिंकल्ड, ठीक है। और क्या होगा इसको, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, इसको हार्ट डिजीज भी होंगी डाउन सिंड्रोम की वजह से, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका माउथ देखो ओपन है, मैंने बताया था इसका एक ये फीचर है कि उसका माउथ ओपन होता है इस वाली में, देखो समझ में आया। तो ये है डाउन सिंड्रोम, इसके अंदर ट्राइजोमी हो जाती है एट 21 क्रोमोजोम, राइट। समझ में आया गाइस डाउन सिंड्रोम क्या होता है। अब दूसरा देखो है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, सेकंड उसका नाम है, सेकंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का नाम है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। इसको अच्छे से समझो क्या है, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर अराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, एडिशनल एक्स क्रोमोसोम हो जाता है मेल्स के अंदर। अब इस बात को यहाँ पे समझो अच्छे से, आपको पता है मेल्स के अंदर क्या सिचुएशन होती है, क्या होता है क्रोमोसोम का, कैसे डिटरमाइन करते हो आप लोग, एक्स एंड वाई ऐसे डिटरमाइन करते हो ना। जब मैंने सेक्स डिटरमिनेशन करवाया था तो मैंने क्या बोला था, अगर मेल है तो मतलब एक एक्स होगा दूसरा वाई होगा, राइट। लेकिन जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है गाइज, उसके अंदर एक एडिशनल कॉपी हो जाती है एक्स की, मतलब एक्स वाई तो प्रेजेंट होगा ही, साथ में एक एक्स भी प्रेजेंट होगा, एक्स एक्स एंड वाई, ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। समझ में आया, एक एक्स क्रोमोसोम इसके अंदर जुड़ जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन अ क्रोमोसोम काउंट ऑफ 47। देखो क्या था, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, टोटल कितना होता है 46 होता है, समझ में आया, 22 ऑटोसोम्स हो गए, ठीक है, 22 ऑटोसोम्स एंड वन जो कि सेक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट। इसमें क्या हो गया, 46 ना होके एक और ऐड हो गया x, तो कैसे होंगे 47 हो गए, ये 47 वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है यहाँ पे। अब एक एक्स क्रोमोसोम अगर इसके अंदर ऐड हो गया तो कहीं ना कहीं इसके अंदर फीमेल के करेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, फेमिनाइन डेवलपमेंट होगा ऐसे इंडिविजुअल्स के अंदर, ठीक है। सच पर्सन हैज़ अ मैस्कुलिन फिजीक बट हैज़ अ फेमिनाइन डेवलपमेंट, मतलब क्या है, जैसा फीमेल का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वैसा सा कुछ डेवलपमेंट इनका हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट किसका करेक्टरिस्टिक है, फीमेल्स का, जबकि क्लिनफेल्टर सिंड्रोम वाले इंडिविजुअल्स के अंदर, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम वाले मेल्स के अंदर डेवलपमेंट हो जाता है ब्रेस्ट का, जिसको गायनोकोमेस्टिया भी बोलते हैं, राइट, जिसको गायनोकोमेस्टिया बोला जाता है। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, दैट इज दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। आपको पता है नॉर्मल सिचुएशन एक्स वाई होती है मेल्स की, अगर एक एक्स वापस से आके जुड़ गया तो ये क्या होगा, ये स्टेराइल हो जाएगा, मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, प्रोजेनीज नहीं बना पाएगा, ठीक है। अब इससे देखो क्या है, इससे समझो क्या है, गायनोकोमेस्टिया मतलब कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना, ठीक है। इसका फिजिक कैसा होगा, फेमिनाइन, मतलब फीमेल के करेक्टर्स इसमें देखने को मिलेंगे, और ये कैसे होंगे, ये होंगे स्टेराइल, ठीक है, ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आया क्लिनफेल्टर सिंड्रोम का, इसको बहुत अच्छे से समझ लो, किसी में भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। डाउन सिंड्रोम में ट्राइजोमी हो जाएगी एट 21 पे 3 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, एक एडिशनल कॉपी आ गई है, जबकि क्लिनफेल्टर वाले सिंड्रोम में क्या होगा, मेल्स के अंदर एक एक्स जो है एडिशनल देखा जाएगा, एक एक्स आके ऐड हो जाएगा और उसकी वजह से फीमेल के करेक्टर्स देखने को मिलेंगे। समझ में आई ये चीज़ आपको। तीसरा है टर्नर सिंड्रोम, थर्ड इज टर्नर सिंड्रोम, ये भी समझ लो क्या है, ये आज का लास्ट है, कल हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो अभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए देखें क्या है टर्नर सिंड्रोम का, दिस इज ड्यू टू एब्सेंस और
ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम ऐड हो रहा था, इसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम को आप हटा दो, राइट। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन कैसा देखने को मिलेगा फीमेल्स के अंदर, आपको पता है नॉर्मल सिचुएशन में 46 होते हैं, समझ में आया, नॉर्मल सिचुएशन में 46 होते हैं, यहाँ पे क्या है 45 विद एक्स, जबकि फीमेल्स के अंदर क्या सिचुएशन होती है, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होते हैं, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होगा तो मतलब फीमेल है, एक्स वाई होगा तो मतलब मेल है, यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, एब्सेंट होता है, ठीक है, एब्सेंट होगा तो क्या होगा एक्स एंड ओ, ये वाली सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, एक एक्स क्रोमोसोम निकल जाएगा। अब एक्स क्रोमोसोम जो कि फीमेल के करेक्टरिस्टिक्स बना रहा था, समझ में आया, डबल एक्स थे तो फीमेल के करेक्टरिस्टिक्स सारे देखने को मिल रहे थे, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स जो होते हैं गाइस वो देखने को मिल रहे थे, अब एक्स ही निकाल दिया तो फीमेल के करेक्टर्स भी कुछ कुछ करेक्टर्स जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, क्या है देखो, सच फीमेल्स आर स्टराइल, ये भी आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, क्योंकि रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या सेट होना ज़रूरी है, डबल एक्स का, समझ में आया, इनके पास में तो सिर्फ एक्स है तो ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, अदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर से मतलब है प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी डेवलपमेंट होता है उनको सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स बोला जाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स कब बनते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे, जैसे ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाना, ठीक है, बॉडी में प्रॉपर हॉर्मोन्स आना, ठीक है, हॉर्मोन्स प्रॉपर प्रोड्यूस होना, तो वो क्या है, देखने को नहीं मिलते सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्स क्रोमोसोम है, समझ में आया, तो ये स्टेराइल होंगी, ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी क्योंकि इनके पास में सिंगल एक्स की कॉपी है, सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, नॉट कॉपी, ठीक है, एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम है। चलिए गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी क्या है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, कल के लिए वीडियो देखना आप, मतलब वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी करना बहुत ज़रूरी है, फिर तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। चलिए कल मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड, बाय गाइज़।